हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। आज तो देखिए बहुत टाइम हो चुका है। रात इतनी बारिश हुई थी कल शाम को, काम इतना बढ़ गया था उसके वजह से दुकान के बाहर। आज मैं 4:30 बजे की उठ रही हूँ और देखिए बाहर की सारी धुलाई, दोनों साइडों से धुलाई करनी पड़ी, दुकान की साफ सफाई करनी पड़ी। इसने भी आज जल्दी उठा दिया क्योंकि मैं सफाई कर रही थी तो ये दुकान का सामान देने में दिक्कत हो रही थी, मुझे बार बार बाहर से अंदर आना पड़ रहा था, इसलिए आज मैंने कैमरा भी अब उठाया। चलिए अब मेरा सारा काम निपट चुका, थोड़ी देर बाद मिलते हैं अभी चाय पर। दो वाली चाय आ गई है। आज चाय जल्दी हो गई क्योंकि मैंने जल्दी उठा लिया था आज काम करने की वजह से। मैंने चाय पी लीजिए। कौन सा है ना, इतनी बारिश हुई कि बाहर इतनी गंदगी हो गई थी। आज सुबह 4:30 बजे से उठ के मैं बाहर की सफाई में लगी हुई थी। आज इनको भी 6:30 बजे ही उठा दिया था मैंने, तो बार बार अंदर आना पड़ा था सामान लेने के लिए, तो उसमें काम हो रहा था। अब सारा कुछ हो चुका है, सफाई हो चुकी है, मेरी बेटी का हाथ भी ठीक है, अब तो उसने रोटी भी बनाई थी। का रूटीन में हम आपको यही दिखा रहा है, आपको ऐसा ना लगे कि रोज देखिए। हमारा मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। 23 साल में इसमें हमें 7-8 साल हमारी दुकान पर हो गई, 7-8 साल तो हो गए हमारी दुकान पर। अब आप ये देखिए कि 7-8 साल से मैं सिर्फ कोई रूटीन है, रोज़ रात को उठना 4:50 पर उठ के और यहाँ रात 10 बजे तक बैठना। जिस दिन से ये व्लॉग शुरू कराए, वीडियो शुरू करिए, उस दिन से मैं ये वीडियो यहाँ से जाके आपके साथ जो खाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। इतने 8-9 सालों में अब ये हुआ कि मैं थोड़ा टाइम निकालती हूँ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट करते हैं। अभी तो एक ही रूटीन बना हुआ था, सुबह उठ के दुकान में बैठ जाओ, रात को 10 बजे उठो, उससे ना बीमार जैसी हो गई थी। देखिए जिससे मैंने दुकान शुरू करी है मैं कहीं आज चला सकती हूँ क्योंकि दुकान बंद नहीं कर सकते, दुकान से ही तो हमारा सब खर्च चलते हैं, काम होता है। इस वजह से मैं दुकान भी बंद नहीं कर सकती, इसलिए नहीं जा सकती। बैठे 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 थक जाता हूँ पूरा। बच्चों ने सोचा था कि मुझे रेस्ट मिलेगा, मेरा काम और बढ़ गया। ये है पहले रात को जाके जल्दी से लेट जाते थे, अब ये होता है 1 बजे यहाँ से उठ के अपने जाके नहाना धोना तो काम आ जाते हैं, लड़की की चोटे भी तो करना पड़ रहा था, डबल हो गया था। वीडियो बनाने में भी 1 बजे से ऊपर जाके काम थोड़ा करके नहाना धोने में टाइम लगता है, फिर वीडियो खाना बनाना सारा करके। और इसमें मेरे बच्चे इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, सब्जी वब्जी आपने देखा सब काट के दे देते हैं पहले ही। अब आप ही सोचिए 8-9 साल की रूटीन बन जाना, दुकान छोड़ के हम कहीं आप जा भी नहीं सकते क्योंकि दुकान बंद करेंगे हमारा नुकसान है। ये चाय नाश्ते का मैं ऊपर आई हूँ कपड़े धोने के लिए, आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है
अभी कभी उनकी शनिवार में छुट्टी कर लेते हैं। मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मेरा कपड़े धो लेती हूँ। देखिए अभी धूप भी इतनी तेज नहीं हुई है, पानी तो जा चुका है, अभी थोड़े कपड़े धुल जाएंगे। अभी इतने टाइम भी कपड़े धुल जाए तो सही है। छोटी सी छत है हमारी, बस ये चलिए कपड़े धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये पलंग लाए थे हम के नीचे बिछा करेंगे कमरे में, मगर पलंग बड़ा हो गया, कमरा छोटा, इसलिए ये छत पे है, छत पे बिछा देते हैं, जैसे रात को लाइट वाइट भाग जाए तो ऊपर लेट जाते हैं। अभी ये नीचे कमरे में, कमरा छोटा सा है बहुत, ये बड़ा है। चलिए मैंने सोचा एक चक्कर लग रहा है तो मैं बैठ के थोड़ी बात कर लूँ आपसे। मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी कम है, मगर हमें कभी महसूस किसी चीज़ की दिक्कत या किसी चीज़ की परेशानी वो कभी नहीं होने देते। जितने हो सकता है उनसे वो मेरे बच्चों की जरूरतें मेरी पूरी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं हम दोनों मिलकर। और गर्मी पड़ रही थी इतनी ज़्यादा, तो तनख्वाह में और दुकान में हम दोनों ने अपना बजट बनाया कि बच्चों के लिए एसी लगवाएं। तो 2 साल पहले हमने अपनी सारी ज़रूरतें कम करके, सभी ज़रूरतों को बिल्कुल कम कर दिया हमने, कम करके बच्चों के लिए एसी लगाया। बच्चे गर्मी में बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि बहुत छोटा सा कमरा है हमारा, उसमें कूलर लगाते थे तो दरवाजे में कूलर आ जाता था तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता था। तो हमने फिर 2 साल पहले किस्तों पर एसी लिया, फिर उसकी किस्त उतारी, फिर ये किस्तों पे ये मशीन ली हमने, इसी भी किस्त पूरी हो गई। फिर हमने बच्चों के लिए, टीवी ख़राब हो गया हमारा लॉकडाउन में पिछले साल, फिर बच्चे पूरे लॉकडाउन परेशान रहते थे, फिर हमारे जब वो दोनों किस्त उतर गई फिर हमने टीवी लिया किस्तों पर। और जहाँ से हम ख़रीदते हैं बजाज कंपनी का, बहुत अच्छे लोग हैं वो, क्योंकि हमने कभी भी उनकी किस्त नहीं रोकी, इसलिए वो कभी भी हमें किस्तों पे सामान देने के लिए कभी मना नहीं करते। हम हर सामान कभी भी लेना होता है, टीवी, फ्रिज, डीप फ्रिज अब लिया है, मशीन, एसी, सब किस्तों पे ही लेते हैं, और वो हमें कभी भी नहीं मना करते, क्योंकि हमने चाहे हमारे कितनी भी घर में जरूरत किसी भी चीज़ पड़े, मगर उनकी किस्त कभी नहीं रोकते हम, इसलिए वो हमेशा कभी भी हम दुकान पे कुछ सामान के लिए कभी मना नहीं करते। बहुत अच्छी कंपनी है बजाज की, और अब गर्मी के वजह से पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की कैन खरीद के लानी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है वो, तो 1-1.5 साल से सोच रहे हैं आर ओ लगवाने की, मगर हो नहीं पा रहा, दुकान के भी खर्चे हैं। अभी वो डी फ्रिज लिया, उसकी किस्त जा रही है, मुझे फ़ोन दिलाया था उसकी भी, अब 2-2 किस्त जा रही है, अभी 2 किस्त उतर जाएंगी जब देखेंगे आर ओ लगवाने की। मगर हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं, हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारा घर बहुत छोटा सा है, 10 या 11 गज का है, 11 गज का है हमारा घर, और हम अपने घर में बहुत खुश हैं। हमारी कॉलोनी में शायद सबसे छोटा घर हमारा ही होगा, सबके घर बहुत बड़े बड़े हैं, पर हम अपने घर में बहुत खुश हैं, हमें कभी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हम भी बड़े घर में रहेंगे, अभी तक तो ऐसा कभी लगा नहीं। हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं हमारे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड
कभी किसी काम के लिए मुझे मना नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कुछ काम करना चाहूँ, बस मैं बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करती, जैसा भी है अपने घर में। बस चलिए कपड़े धो लेते हैं, चक्कर फटाफट कपड़े सुखा देते हैं। हवा अच्छी चल रही है, कपड़े फटाफट सूख जाए। हवा और धूप दोनों ही है। हवा में जल्दी कपड़े सूख भी जाते हैं और फटाफट सारे गिर भी जाते हैं। चलिए अब कपड़े धो लेते हैं, थोड़ी देर बाद कपड़े धो लेते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए मेरा सब काम हो चुका है। मैं कपड़े धोने के बाद नहा के थोड़ा आराम करने लगी थी, थक गई थी। अब मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। घिया की सब्जी ऐसे बनाओ बच्चों को अच्छी रहती है, तो बच्चे कह रहे थे घिया के कोफ्ते बनाओ। चलिए बनाते हैं घिया के कोफ्ते, आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैंने लिया था घिया, मैंने धो के उसे घिस लिया है। और ये है 250 ग्राम बेसन, और ये 2 बड़ी प्याज, 3-4 हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे हम पकौड़ी के अंदर। और मसाले के लिए ये मैंने 3 प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च ये चॉप कर लिए। चलिए मसाला लेते हैं इसको। ये को निचोड़ लेंगे क्योंकि घिया पानी बहुत छोड़ता है। और इसमें मिलाएंगे हम बेसन में। देखिए मैंने सारा घिया डाल लिया है इसमें। अब इसमें डाल लेंगे कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें मसाले डाल देंगे, छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हम कमी डालेंगे, हरी मिर्च डाली हुई है, बच्चे खाएंगे, आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक डालने के बाद एक बार टेस्ट कर लें। चलिए मिला लेते हैं इसको। इसी में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 देखिए बेसन और ये घिया हो चुका है। मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल रख दिया था, तेल भी हमारा हो चुका है। ज्यादा हाई नहीं करना, मीडियम पे ही इसको डालना है। चलिए अब डाल लेते हैं इसमें। इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे ही तलना है कोफ्तों को, तेज आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए बिल्कुल मीडियम पे रखें। देखिए 2 मिनट बाद इनको पलट लेंगे ऐसे, और बिल्कुल मीडियम आंच पे ही पकाएं। तेज आंच करने से ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इनको कम से कम 6-7 मिनट तक मीडियम लो आंच पे ही बिल्कुल पकाएं, तेज आंच ना करें। इसको एक चक्कर लगने में कम से कम 5-6 मिनट लगेगी, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। तेज पे करोगे तेज जल जाएंगे। देखिए दोस्तों 5-6 मिनट लगते हैं इन्हें, अगर तेज आंच पे करते हैं तो जल जाती है, अंदर से पकती नहीं है। देखिए हमारी पकौड़ी हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी पकौड़े कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कलर देखिए इनका, देखिए इसी तरीके से हम सारे अपने पकौड़ी तैयार कर लेंगे। पकौड़ी भी कहते हैं इसको, कोफ्ते भी कहते हैं। अब हम आपको सारे ये पकौड़ी तैयार कर, देखिए दोस्तों पकौड़ी हो चुकी है सारी। तेल मैंने इधर रख दिया, अब दूसरी कढ़ाई ले लिए
इसी में से हम तेल इसमें डाल लेंगे। बस इतना, तेल गरम है, अब इसी में डाल लेंगे हम 2-3 साबुत लाल मिर्च, 1 दालचीनी, 1 काली मिर्च, काली इलायची, 2 हरी इलायची और 1 चम्मच जीरा। इसको चलाएंगे, इसको तड़कने देंगे, तेज तो तेल तेज था, जल्दी हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी मैं प्याज, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट चॉप किया हुआ, अदरक का पेस्ट बाद में डालेंगे, और इसको हम 6-7 मिनट पकाएंगे एकदम हाई फ्लेम में, ताकि प्याज हमारी एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए प्याज अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसी में पेस्ट डाल देंगे। देखिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब इसको 1 मिनट चला लेंगे। इसी के साथ हम टमाटर छोड़ेंगे, टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे, इसी में नमक डाल देंगे, टमाटर जल्दी हो जाता है। हमने पकौड़ी में भी नमक डाला है, इसलिए कम ही नमक डालेंगे। अब इसको 3-4 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी हो जाए। तो ढक देते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए टमाटर हो गए हैं, टमाटर हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे अपने मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी बेगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए, इससे मिर्च में लगे कलर ही आता है, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला और हम बाद में डालेंगे, ये थोड़ा सा डालेंगे ग्रेवी के ऊपर से डालेंगे नारियल बने हुए तो, और इसको हम डालेंगे अच्छी तरह मिल गया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा, अब इसको 2-3 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि मसाला टमाटर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तेल छोड़ने लगे, और इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा, देखिए टमाटर और मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें हम जितनी ग्रेवी चाहिए पकौड़े में कोफ्ते के लिए उसके अनुसार पानी डाल देंगे, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। अब इसको ढक देंगे और 1 उबाल आने तक, फिर 1 उबाल आने के बाद हम इसमें ये कोफ्ते छोड़ेंगे। देखिए पानी अच्छी तरह खोल गए, अब इसमें हम कोफ्ते डाल देते हैं, कोफ्ते धीरे धीरे डालेंगे चीज ना लगे। देखिए कोफ्ते डाल दिए हमने, अब इसको बिल्कुल बिल्कुल स्लो आंच पे 6-7 मिनट पकने देंगे ढककर, और ये पकौड़ियां हमने बचा ली हैं, ये चाय के साथ खाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद है, आधी बच्चे खा भी चुके हैं। अब ये चाय बनेगी जब चाय के साथ खाएंगे।
अब इसको 6-7 मिनट ढक कर पकाएंगे ऐसे ही बिल्कुल स्लो आंच पर। देखिए दोस्तों सब्जी हो चुकी है हमारी तरह। अब इसी में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। चलिए अब आपको सर्व करके दिखाएंगे। बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए कल मिलेंगे अगली वीडियो में। अब मैं दुकान पे जाऊंगी। बाय। I'm not afraid of the dark.